मंडी संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार रामस्वरूप शर्मा को जनता से ये उम्मीद जग रही है कि उन्हें भारी बहुमत मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि लोग बीजेपी सरकार के समर्थन में नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके जो पिछले सांसद हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया है। लोग ये भी कह रहे हैं कि किस हक से कांग्रेस के उम्मीदवार उनसे वोट मांगने आ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि आने वाले 10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडी में रैली करेंगे। मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार रामस्वरूप जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं किस तरह का रिस्पांस उन्हें मिल रहा है क्योंकि जनसभाएं संबोधित कर रहे हैं और अब केवल 19 दिन जो है चुनावों के लिए रह गए हैं। सर, जगह जगह जा रहे हैं मंडी क्षेत्र में, सर किस तरह का रिस्पॉन्स लोगों का मिल रहा है? मंडी पार्लियामेंट भारी उत्साह है, मंडी की जनता पुनः एक बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और पूरे पार्लियामेंट में उत्साह का वातावरण है। मैं लगभग 17 में से 16 हलकों में जा चुका हूँ, 2-3 यानी 4-5 बार जाना मेरा हुआ है, तो जनता उत्साह में जिस तरह राष्ट्रवाद को लेकर, विकास को लेकर और जो वादे किए थे 2014 में जो घोषणा पत्र में था, संकल्प पत्र में था, उनसे ज़्यादा काम किया है, तो उत्साह का वातावरण है। दूसरा, मंडी पार्लियामेंट से प्रांत के मुख्यमंत्री के रूप में जयराम ठाकुर जी का बनना, मंडी से हमें पहली बार यानी 70 वर्षों की इस कार्यकाल में मंडी से पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं जयराम ठाकुर जी। आज लोग पुराना जमाना चला गया कि हम किसी को भी कहीं भी स्थापित कर देंगे, वो कल राजनीति में आए हैं, वो दादा के सपन पूरे करने आए हैं। अब उनके दादाजी ने क्या स्वप्न देखे थे लोग मंडी पार्लियामेंट के पूछ रहे हैं, कौन से स्वप्न देखे, कौन से अधूरे रह गए। और वो आज एमपी से हिसाब मांग रहे हैं 5 वर्ष का। पंडित सुखराम जी 3 बार एमपी रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। अनिल शर्मा जी राज्यसभा में 6 साल के लिए रहे, लगातार मंत्री 40 साल, मंडी पार्लियामेंट का एक काम नहीं किया। और सर, महिला सुरक्षा की अगर बात करें तो उसके लिए कोई खास काम किए जाएंगे? बिल्कुल, उसके तो हमारे प्रांत के मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए बहुत बहुत इसमें निर्णय लिए। हाँ, तो काफ़ी उन्होंने उसका सुधार हुआ है और उन्होंने कई तरह के परिवर्तन लाए हैं और इसमें इसके लिए सरकार जागरूक है और जो भी कार्रवाई करनी है उसके लिए वो तैयार रहती है सर। स्टार प्रचारक कौन आएंगे अभी आने वाले दिनों में अगर बात? देखिए, अभी जानकारी मिली कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 मई को मंडी आने वाले हैं, तो सबसे बड़े स्टार प्रचारक वही हैं। बाकी अन्य नेता भी आएंगे, नितिन गडकरी जी हमारे शिमला पहुँच चुके हैं, वो कल किन्नौर जा रहे हैं, तो बाकी भी जैसे जैसे फ्री होंगे तो प्रमुख नेता आएंगे, लेकिन मंडी पार्लियामेंट में माननीय प्रधानमंत्री 10 मई को रहेंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रामस्वरूप जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जनता के बीच वो जा रहे हैं और वहाँ पर उन्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, खासकर कि लोग फिर से चाहते हैं कि मोदी सरकार एक बार फिर से बने और हिसाब मांग रहे हैं पिछले सांसद से कि आखिर उन्होंने पिछले 5 सालों में क्या काम किया।